सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ एंड टफ राइडर एंड ए टू जेड बाइक वर्ल्ड। आज जो है ना KTM ड्यूक जो 390 उसमें मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ, जिसमें आपका व्हील कवर हो गया, आपका ब्रेम्बो का किट भी है और आपका जो पूरी ग्राफिक्स इंजन जो हमारा पहले और चेचिस वगैरह जो ऑरेंज था ना वो ब्लैक करके उसके बाद कुछ डिजाइनिंग वगैरह कर रहे हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें कि आपको नया नया वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहता है। इसको ये देख सकते हो हमारा काम शुरू हो चुका है कुछ है हमारा, जैसे ये शाइनिंग में आपका ब्लैक ये पूरा टंकी का हमने कलर जो से पेंट वगैरह जो है ना पेंट थोड़ा सा ख़राब हो रहा था तो हमने चेंज करके ये ग्राफिक्स ये जो टैपिंग वगैरह हो गया, प्लस हमारा ये ऑरेंज कलर का ये था यहाँ पे देख सकते हो, ये पहले का जो है ना थोड़ा पेंट वेंट हटा हुआ था तो ये हमने पूरे टेपिंग वगैरह जो रैप वगैरह लगा के पूरा हमारा ऑरेंज हमारा ये हो गया और इंजन हमारा जो ऐसा ऑरेंज का ये चेचिस हमारा ऐसा कलर का था तो हमने ब्लैक कलर पूरा चेचिस कराया है देख सकते हो। और पीछे का ये जो है ना हमारा वाइट होता है तो ये हमने भी इसको भी ब्लैक हमने कराया है, ये पूरा देख सकते हो कुछ नया लुक में इसको हम करने वाले हैं, ये देख सकते हो आप। और ये भी ऑरेंज कलर का हमने ये पूरा हेडलाइट जो है पूरा पैक हो गया ब्लैक से और आपका ऑरेंज कलर का डिजाइनिंग बन रहा है, ये पूरी फाइनल होने के बाद तो मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप का हमारा बन रहा है। और आपको भी पता है कि हेडलाइट मैं पैक कर रहा हूँ तो फिर रोशनी कैसे होगा, फिर रात में हम चलाएंगे कैसे, तो ये फॉक लैंप हम लगा रहे हैं जिसमें येलो वाइट का ऑप्शन भी आता है, येलो वाइट का ऑप्शन है, रोशनी बहुत ज़बरदस्त है, वो मैं आपको फाइनल होने के बाद आपको दिखा दूंगा किस टाइप का हमारा रोशनी है इसका फॉक लैंप का। तो ये जो अपना KTM 390 पूरा कंप्लीट हो चुका है देख सकते हो, जो रैप वगैरह हो के जैसे हमारा ये आपका ब्लैक कलर का जैसे ये है ना चमक वाला जो टेप था वो हमने लगा के रैप करके और ऑरेंज कलर का ये टंकी का हमारा ये आ गया पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लुक आ जाता है। और इंजन भी ये जो चेसिस भी हमने ऑरेंज कलर था तो ब्लैक कलर हमने करा दिया, ये देख सकते हो आप बिल्कुल समझो नया लुक में हमारा हो चुका है ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन में, ये देख सकते हो आप। और हेडलाइट का जो कुछ नया डिज़ाइनिंग किया है कुछ ऐसा है ये देख सकते हो, जिसमें आपका ये पूरा ब्लैक ये कर दिया। अब ये है कि आपका हेडलाइट ऑन करोगे तो आपका दिखेगा नहीं, बहुत कम ही दिखेगा आपको कि हाँ इसमें आपने ये कराया, जैसे टेप कराने के बाद ये कभी कहीं कहीं से थोड़ा दिखेगा कि हाँ ऐसे रोशनी ख़त्म हो गया, ये समझो ये पूरा पैक कर दिया हमने। और इसके साथ हमने लगाया फॉग लैंप का भी मैं दिखा दूँ आपको कि हाँ कैसा रोशनी है इसका, ये आपका येलो हो गया ये देख सकते हो। अब हेडलाइट अब जलाओ मत जलाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपका ये ब्राइटनेस इतनी प्यारी है इसकी कि आप कहीं भी जा सकते हो लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला ये अपना फॉक लैंप से। और जो हमने लगाया है ब्रेम्बो का एक साइड का सिंगल जो ब्रेक साइड का ये देख सकते हो, इसमें आपका ऑयल कैन यहाँ पर आ जाता है, ऑयल कैन ही आपका ऑयल लुक का लुक भी हो गया और ये डिस्क ये यहाँ से एडजस्ट हो जाता है आपका सारे एडजस्टेबल आपका लीवर है ये ब्रेम्बो का और ये गिरने पर फोल्ड भी हो जाता है, ये देख सकते हो आप फोल्ड हो जाता है कि हाँ आपका लीवर नहीं टूटेगा इससे ये हो जाता है। और हमने जो लगाया है व्हील कवर वो भी दिखा दूँ आपको, व्हील कवर किस टाइप का हमारा ये व्हील कवर हमारा आ गया, ये जो फुल आपका टायर जो कवर करता है ये आपका फुल टायर कवर करता है, ये आपका व्हील कवर आ गया ये देख सकते हो, लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है आपका ये व्हील कवर का ये देख सकते हो आप। तो ये था अपना KTM 390 का आपका मॉडिफाइड का, और कुछ नया कुछ कराना हो जैसे क्रैश गार्ड हो आपका चाहे पीछे का टेल टाइडी हो चाहे ए टू जेड जितने भी आपको मॉडिफाइड का आइटम हमारे पास सब चीज़ अवेलेबल है, हमारे शॉप पे आना था डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक डला हुआ है, प्राइस वगैरह पूछना था डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा होगा, प्राइस वगैरह भी पूछ सकते हो। और आज के लिए इतने मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड के साथ, बाय बाय।